बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूरेटर। यूरेटर बेसिकली हमारे पास एक ट्यूब सी होती है जो सारे यूरिन को कलेक्ट करती है किडनी से और लेके जाती है यूरिनरी ब्लैडर तक। ठीक है, अब हमें जैसे पता है कि इसका जो अपर पोर्शन होता है, अपर एक्सपेंडेड पोर्शन होता है, जो कि किडनी के हाइलम में प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। ठीक है, रीनल पेल्विस से आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे पास मेजर कैलिसिस और माइनर कैलिसिस। जो माइनर कैलिसिस होते हैं वो बिल्कुल रीनल पैपिला की कंटिन्यूशन में होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हमें पता है कि जो यूरेटर होता है, ठीक है, यूरेटर और ये किडनी का सारा स्ट्रक्चर, ये हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो वर्टिब्रल कॉलम अगर दरमियान में, तो उसके बिल्कुल साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो यूरेटर होता है ना, ये बिल्कुल ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होता है ना लंबर वर्टिब्रा के, उसके एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं और यूरेटर के दरमियान एक हमारे पास मसल होता है श्वास मसल, श्वास मसल के ऊपर ऊपर ये लाई करके नीचे आता है। अब जब ये हमारे पास नीचे आता है ना, तो तीन तरह के लैंडमार्क्स हैं जिससे मतलब एंटीरियरली पास करता है ये। एक हमारे पास ये कि जहाँ पे बाइफर्केशन हो रही है कॉमन इलियक आर्टरी की, कॉमन इलियक आर्टरी एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरी में डिवाइड हो रही है। दूसरे हमारे पास पॉइंट ये कि वहाँ पे हमारा सैक्रो इलियक जॉइंट भी यहीं पे होता है। ठीक है, और तीसरा ये कि हमारे पास पेल्विक ब्रिम जो होता है या पेल्विक इनलेट, जिसकी हमने पिछली वीडियो में बात की थी, उसके ऊपर ये एंटीरियरली लाई करके, एंटीरियरली पास करके हमारे पास पेल्विक कैविटी में इंटर होता है। ठीक है, पेल्विक कैविटी में जैसे ये इंटर होता है तो ये लेटरल वॉल के साथ साथ मूव करता है। ठीक है, और जहाँ पे इसके स्पाइन का पॉइंट आता है ना, इसके स्पाइन के पॉइंट पे ये इमीडियली मूव करता है, और जो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर वॉल पे एक ट्राइगोन सब प्रेजेंट होता है, उसके लेटरल एंगल में इंटर हो जाता है। ठीक है, अगर ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है ना, तो इसके पीछे पोस्टीरियर वॉल में ये एक ऐसे ट्राइगोन सा होता है। ठीक है, जब हम यूरिनरी ब्लैडर को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से देख लेंगे। ट्राइगोन सा होता है और उसके जो लेटरल एंगल्स होते हैं ना, वहाँ पर दोनों साइड से हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर यूरेटर इंटर हो रहा था। अब हम इसके रिलेशंस देख लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड पे, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। राइट साइड पे जो जो विजराज इसके एंटीरियरली हैं, वो इसके एंटीरियर रिलेशंस में आ जाएंगे। जैसे हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास ड्यूडिनम होता है, तो फर्स्ट इसका जो एंटीरियर रिलेशन है वो हमारे पास ड्यूडिनम है। ठीक है, उसके बाद नीचे हमारे पास टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम है। ठीक है, तो वो भी इसके एंटीरियर रिलेशन में आ गया। इसके बाद हमारे पास अगर इलियम, इसके टर्मिनल इलियम है, तो वहाँ पर हमें पता है कि इलियोकोलिक वेसल्स भी होंगी। ठीक है, इलियोकोलिक वेसल्स और इसके अलावा जो राइट कोलिक वेसल्स हैं, वो सारे इसका इंटीरियर रिलेशन है में आती हैं। ठीक है, और इसी तरह जो राइट लेफ्ट किडनी होती है हमारे पास, लेफ्ट जो यूरेटर होता है, उसके एंटीरियर रिलेशन अगर हम देखें, तो जो टर्मिनल पार्ट होता है ना सिग्मॉइड कोलन का, जो बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो आता है इसके एंटीरियर रिलेशन में। और इसके अलावा हमारे पास आता है इसकी जो वेसल्स होती हैं, मतलब लेफ्ट कोलिक वेसल्स। ठीक है, और इसके अलावा जो मेसेंट्री होती है, सिग्माइड मेसोकोलोन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास होती है सिग्माइड कोलोन की मेसेंट्री, ठीक है, उसकी रूट भी इसके एंटीरियरली होती है। ठीक है, और इस साइड पे जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की मेसेंट्री होते हैं, वो इसके एंटीरियर रिलेशन में आते हैं। ये मैं चीज़ भूल गई थी। ठीक है, और पोस्टीरियर रिलेशंस हमारे पास बिल्कुल सेम है। ठीक है, दोनों में हमारे पास पोस्टीरियर रिलेशंस, हमारे पास श्वास मसल्स और एक हमारे पास जो हमने पहले बात कर ली है कि लंबर वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। ठीक है, और इसके बाद एक हमारे पास और रिलेशन आता है सिर्फ लेफ़्ट यूरेटर में। हमारी बुक में लिखा हुआ है कि लेफ़्ट यूरेटर के मीडियली हमारे पास होती है इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन। ठीक हो गया, इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी तीन कंस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एक कंस्ट्रिक्शन वहाँ पर होती है जहाँ पर हमारे पास किडनी से यूरेटर निकल रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हमारे पास दूसरी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे होती है जहाँ पे ये पेल्विक ब्रिम को पास कर रहा होता है। ठीक है, पेल्विक ब्रिम के एंटीरियरली मूव कर रहा होता है। और तीसरी कंस्ट्रक्शन हमारे पास वहाँ पे होती है जब ये यूरिनरी ब्लैडर में एंटर हो रहा होता है। ठीक है, तीन कंस्ट्रक्शन होंगे। इसके बाद हम इसका आर्टीरियल, इसकी जो आर्टीरियल सप्लाई देख लेते हैं। ठीक है, जिस जिस रीजन से ये पास करता है ना, वहाँ वहाँ से ये हमारे पास ले लेता है आर्टीरियल सप्लाई। जो अगर हम इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करें, तो जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, वो रीनल आर्टरी से लेता है। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ पे, जैसे हमें पता है ये जो टेस्टिकुलर या ओवेरियन आर्टरी होती है, ठीक है, इससे ले लेता है सेकंड पार्ट हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई। और जो थर्ड पार्ट होता है वो हमारे पास जो सुपीरियर वेसिकल आर्टरी होती है, जो कि ब्रांच होती है हमारे पास इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की, उससे ले लेता है। ठीक है, और वेंस भी हमारे पास कोरस्पोंडिंग होती हैं। इसके अलावा जो इसके लिम्फ पैसेज की अगर बात करें, तो हमारे पास इलियक नोड्स और लेटरल एओर्टिक नोड्स आते हैं। ठीक है, और जो इसकी नर्व प्लेक्सेज है ना, वो हमारे पास हैं हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस, और इसके अलावा जो टेस्टिकुलर प्लेक्सेस है और रीनल प्लेक्सेस।